1947 वो सुबह जिसका सभी को था इंतजार। आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 का ही दिन क्यों चुना गया? वो 1947 का काला दिन जब सब बन गया। आजादी के लिए भारत माँ के तमाम वीर सपूतों ने दिया प्राणों का बलिदान। जब इतिहास में माउंट बेटिंग को बदलना पड़ा अपना फैसला। आधी रात को क्यों मनाया जाता है आजादी का जश्न? आज पूरा भारत देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। पूरे देश के अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस दौरान भारत माँ के वीर सपूतों जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है भारत को ये आजादी कब और कैसी परिस्थितियों में मिली? आज आपको इससे जुड़ी दिलचस्प कहानी हम आपको बताने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वो सुनहरा दिन जब सदियों की गुलामी और दासता के बाद भारत ने आजादी हासिल की थी। खुद मुख्तार मुल्क के रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत ने दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाई और ये तारीख हर भारतीय के दिलो दिमाग पर सुनहरे अक्षरों में छप गई। पहले बात करते हैं ब्रिटिश शासन की। ये दौर था 1757 का जब भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, जिसके बाद प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और उसने देश पर कब्जा जमाया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब 100 सालों तक भारत पर कब्जा किया और फिर 1857 और 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप प्रांतीय राज्यों में बिखरा हुआ है, इसलिए सभी संसाधनों को केंद्रित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सैन्य अधिकारी रॉबर्ट्स क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को युद्ध में हरा दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस विद्रोह से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म तो हो गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे देश में अपना दबदबा बना लिया और अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह भारतीय विद्रोह के जरिए ब्रिटिश ताज ने इसकी जगह ले ली। आजादी के लिए पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व किया था हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी ने, जिन्होंने अहिंसक और असहयोग आंदोलन की पद्धति की वकालत की, जिसके बाद शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1946 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान के कारण भारत पर अपना शासन समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर ब्रिटिश सरकार ने 1947 की शुरुआत में जून 1948 तक की सभी शक्तियां भारत को देने का ऐलान किया, जिसके बाद पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच भारी हिंसा हुई। दरअसल जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद और भीमराव अंबेडकर आदि कई नेता भारत के बंटवारे के लिए सहमत हुए थे। कई धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने रहने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया था और इसकी वजह से लगभग 250,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के लिए ब्रिटिश शासन से आजादी पाना आसान नहीं था, लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इसके लिए उन्होंने अनगिनत कुर्बानियां दी थी, सदियों तक यातनाएं सही थी। अब बात करते हैं माउंटबेटन की। माउंटबेटन ने आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? तो 15 अगस्त को आजादी देने का फैसला पूरी तरह से माउंटबेटन का निजी फैसला था। 15 अगस्त के दिन को माउंटबेटन ने इसलिए चुना क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापानियों ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण किया था और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था।
माउंटबेटन का मानना था कि ये दिन उनके लिए खास है और इस तरह उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए इस तारीख को चुना। इसका दूसरा पहलू भी सामने आता है कि जब माउंटबेटन ने 30 जून 1948 को भारत को आजादी दिए जाने की बात कही तो तत्कालीन नेताओं ने इसे बेवजह देर माना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, तब तक शक्ति बचेगी नहीं तो आप हस्तांतरित क्या करोगे। 1946 और 47 में देश के जो परिस्थितियां बन चुकी थीं, उनके लिहाज से राजगोपालाचारी का ये वाक्या इतिहास में अमर हो गया और माउंटबेटन को अपना फैसला बदलना पड़ा। भारत की आजादी के दिन जब 15 अगस्त 1947 तय हो गया तब ये खबर रेडियो पर प्रसारित की गई। जैसे ये खबर रेडियो पर प्रसारित हुई तो एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी ओर ज्योतिषियों ने इसका भारी विरोध किया। उनका मानना था कि ज्योतिष गणना के मुताबिक ये दिन अशुभ और अमंगलकारी था। इसके लिए दूसरी तारीखों का सुझाव भी दिया गया था, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। इन सब के बीच ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 अगस्त की आधी रात का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। भारतीयों के लिए आजादी की घोषणा किसी सपने से कम नहीं थी। इसके लिए उन्होंने अनगिनत कुर्बानियां दी, सदियों तक यातनाएं सही। इस बार हमारे देश की आजादी की 78वीं सालगिरह है। इसके लिए हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और लाखों ने ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए कड़ा संघर्ष किया ताकि वो देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ला सके। उस समय हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजरा उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तो हमारे ही हाथों में है। हमें इतना भर तय करना है कि हमारे अधिकारों को जान सके और लोकतंत्र के कामों में गर्व की भावना से भागीदारी जताए ताकि हमारा राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ सके।